हेलो फ्रेंड्स, मैं बरखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। हेरिडिटी से अर्थ है अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट को पर्यावरण या फिर परिवेश कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारा यूपी टेट और एनवीएस के लिए जो स्पेशल सीरीज चल रही है उसका 11वां लेक्चर है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारी स्टेजेस होती हैं, जैसे शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाद की बाल्यावस्था और किशोरावस्था को। उसमें हमने बहुत विस्तार से डिस्कस किया है, जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है यानी तथ्यों पर आधारित उनको भी अलग से डिस्कस किया, और जो समझाने वाली चीजें वो भी समझाई गई है। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले उनको भी जरूर देखें। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट रहता है हमारा डेवलपमेंट पे यानी विकास और वृद्धि पे। तो देखिए, जैसा कि ये फर्स्ट स्लाइड में शो हो रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब दो फैक्टर हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालने वाले, उसमें से एक बात की गई है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। प्लीज देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं कमेंट में वो बोल रहे हैं कि मैम आप सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ाइए। देखिए, खाली मैं जो स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ ना, ये इंग्लिश में, जो बोल रही हूँ वो हिंदी में बोल रही हूँ, और साथ के साथ आपको जो इसका जैसे हेरिडिटी, इसका अनुवांशिकता, इसका अर्थ भी हिंदी में समझा रही हूँ। एक्चुअली मेरे लिए ये पॉसिबल चीज नहीं है कि मैं यहाँ पे स्लाइड में हिंदी में टाइप करूं, तो प्लीज आप समझिए इस बात को। अगर आपको किसी वर्ड में दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं उसको भी बता दूंगी। पर जो मेरा पूरा का पूरा लेक्चर होता है वो होता है हिंदी में ही है, पर एक्चुअली स्लाइड पे इंग्लिश में प्रेजेंट हो रहा है, तो कुछ बच्चे इसको एक्चुअली देखते ही नहीं है थोड़ा सा, पर आप समझिए इस बात को। देखिए, तो हेरिडिटी के बारे में बात कर रही थी मैं, आनुवंशिकता के बारे में। इसको इंटरनल फैक्टर बोला गया यानी आंतरिक कारक। आंतरिक कारक क्यों बोला गया, क्योंकि इस पे ना एक्चुअली हमारा कंट्रोल ही नहीं होता पेरेंट्स का, कि हम ऐसे डिसाइड तो नहीं कर सकते कि भाई आईज का कलर मेरे बच्चे की ब्लू होना चाहिए, या फिर हेयर मेरे बच्चे के मम्मी पे होने चाहिए, पापा पे होने चाहिए, दादा पे, दादी पे। तो ये सब चीजें हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये इंटरनली है, ये हमारा आंतरिक कारक है जिसमें हम एक्चुअली कुछ कर ही नहीं सकते कि बच्चे का रंग रूप कैसा होगा। अब एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को या तो पर्यावरण बोलते हैं या फिर परिवेश आपको लिखा हुआ मिलेगा, दोनों में से कोई भी शब्द आपको मिल सकता है एग्जाम में लिखा हुआ। इसको एक्सटर्नल फैक्टर बोला गया है, बाहरी कारक। यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें कैसा अपने भौतिक एनवायरनमेंट यानी फिजिकल कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, भाई कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की बच्चों को कैसा देना है, कि कैसे रखना है, एसी में रखना है, कूलर में रखना है, कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, कैसा उनको सोशल बैकग्राउंड देना है, कि कैसा समाज में हमारा मतलब समाज को हम कैसे डील करेंगे अपने बच्चों के सामने, कि ऐसी परिस्थितियां कि जिसमें हम बच्चे को बेहतरीन अवसर दे सके उसके वृद्धि और विकास के, यहाँ हम डिसीजन ले सकते कि भाई हमें क्या करना है, पर यहाँ हम डिसीजन नहीं ले सकते। हेरिडिटी क्या है, हमारा इंटरनल फैक्टर यानी आंतरिक कारक, और एनवायरमेंट क्या है, हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दोबारा कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल प्योर हिंदी में ही बोल रही हूँ, अगर आपको फिर भी किसी टर्मिनोलॉजी के लिए कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मीनिंग ऑफ हेरिडिटी कि मतलब हेरिडिटी से समझते क्या है, कि एक शब्द है ठीक है, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता होता क्या है। अब देखिए इसमें क्या लिख रखा है, जैसे हेरिडिटी सम टोटल ऑफ ट्रेड पोटेंशियली, कि भाई सम टोटल ऑफ ट्रेड है और जो हमें फर्टिलाइज ओवम से मिलता है। इसको देखिए मैं समझाऊंगी बिल्कुल पूरा का पूरा हिंदी में इस लाइन को ऐसे कैसे, कि अनुवांशिकता निषेचित। अब ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भाई थोड़ा सा इसको करें, हेरिडिटी अनुवांशिकता निषेचित अंडाणु बोला गया है यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम को। आप प्लीज साथ में लिखते चले इस टर्मिनोलॉजी को, अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज कॉपी और पेन अपना साथ में लेके चला करो कि जहां पे आप लिख पाओ इसको, क्योंकि मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे इतना लिख पाऊं। फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या बोलते हैं, हमारा निषेचित अंडाणु, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ अपनी मतलब जो हमारी भाषा है समझने की, उसमें नॉर्मल सिंपल शब्दों में, कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, जो हमारा निषेचित अंडाणु होता है, कि जो मेल और फीमेल के जो हमारे होते हैं स्पर्म और ओवम के मिलने से बनता है, कि वहां से बच्चे के अंदर जो यहाँ पे गुण आते हैं, जो ट्रेड्स पास होते हैं, गुण बोलेंगे ट्रेड्स को, वो हमारा हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अनुवांशिकता के ऊपर। फिर इसको दूसरा लाइन में बोला गया,
ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब क्वालिटीज को बोलेंगे विशेषताएं, कि जो विशेषताएं उसे वंशानुगत प्राप्त है, हेरिडिटी, इनहेरिट को बोलेंगे हम वंशानुगत, ठीक है। जो भी क्वालिटी, जो भी विशेषताएं उसे वंशानुगत प्राप्त हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल यूपी टाइप, कैसा कैसा उसमें फिल इन द ब्लैंक देके पूछा गया था। लाइफ स्टार्ट्स एज आर डैश सेल, कि लाइफ कैसे स्टार्ट होती है। लाइफ यानी जीवन एकमात्र कोशिका से शुरू होता है, सेल को कोशिका बोलते हैं, कि एकमात्र कोशिका से शुरू होता है। अभी जाइगोट कैसे फॉर्म होते हैं, जब जो हमारा मेल और फीमेल, यानी मेल से जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओम होता है, वो एक फर्टिलाइज्ड एग जो बनता है उनका, उससे होता है हमारा जाइगोट फॉर्म। अब जाइगोट को हिंदी में बोलेंगे युगमनज। अब ये तो आपको सिंपल सा मतलब, ये आपको इतना पता होना चाहिए क्रोमोसोम कितने होते हैं। क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र, 46 होते हैं गुणसूत्र, 23 इसमें फीमेल से आते हैं और मतलब मादा से आते हैं, और 23 आते हैं नर से, मेल से। तो ये आपके थोड़े से फैक्चुअल बेस है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज नहीं है। अब जो एक गुण सूत्र होता है उसमें 40 से 60 जीन होते हैं। जो ये जीन होते हैं ना, एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे में कौन सा क्या हो रहा है, कि जैसे 23 तो मम्मी से है, 23 पापा से है, तो पर यहाँ पे है कि हमारा क्या डोमिनेट करेगा, कि भाई क्या हमारा सबसे ज्यादा असर करेगा। कि जैसे अगर पेरेंट्स से जो आ रहे हैं, फादर या मदर से, कि बच्चे का कलर कैसा भी हो सकता है, फादर के ऊपर भी, मदर के ऊपर भी, और देखिए ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर भी हो सकता है। ये आपने टेबल पढ़ी होगी कि 50-50, फिर मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, फिर 25 जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और ऐसे ये आधा आधा होता चला जाता है। तो इसमें बोला, अब देखिए अभी कुछ डेफिनेशंस हैं, यूपी टेट में बड़ा जोर रहता है डेफिनेशंस का, ऐसे कैसे देके पूछ लेंगे कि ये डेफिनेशन किसने दी, नाम ही पूछ लेते हैं सीधा। अब पीटरसन ने क्या बोला है हेरिडिटी के बारे में, हिंदी में भी पढ़ूंगी इसको एक बार, इंग्लिश में पढ़ने के बाद में आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्ट्रोक थ्रू हिज पेरेंट्स, अब पीटरसन ने बोला है ये। अब हिंदी में एक बार बोल रही हूं मैं इस बात को। अपने अभिभावकों के पैतृक भंडार से क्या प्राप्त है। देखिए इसने बड़ी सरल भाषा में बोल दिया कि भाई अभिभावक को में भी तो जो हमारे पैतृक होंगे, मतलब जो हमारे दादा दादी है और जो हमारे पितर हैं, उन्हीं से तो आए होंगे ना वो एंसेस्ट्रल स्ट्रोक, जो कि हमारी हेरिडिटी है। तो वही बोला गया कि जो अभिभावकों से हमारे हमारे पैतृक से हमें प्राप्त है, ठीक है। एक बार और हिंदी में रिपीट करती हूँ, अपने अभिभावकों के पैतृक भंडार से क्या प्राप्त है। तो ये इसमें वही था कि हेरिडिटी हमेशा हमें कहाँ से मिलती है, हमारे एंसेस्टर से यानी पैतृकों से। फिर डगलस एंड हॉलैंड, डगलस एंड हॉलैंड को जरूर ये एक बार क्वेश्चन, ऐसे कैसे डेफिनेशन आई भी हुई है यूपी टेट में, याद नहीं मुझे पेपर वन में आई हुई है या पेपर टू में, पर ये बिल्कुल मैंने पढ़ी। और डगलस एंड हॉलैंड ने एनवायरमेंट यानी हमारे परिवेश के बारे में भी बोला है, हेरिडिटी कंटेंस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस और कैपेसिटी डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एंसेस्टर्स, कि भाई हेरिडिटी हमारी क्या क्या करती है। एक बार चलिए हिंदी में बिल्कुल एज इट इज इसको बोल देती हूँ। आनुवंशिकता में अभिभावकों एवं पूर्वजों, एंसेस्ट्रल पूर्वज हो गए हमारे, से शारीरिक, चारित्रिक, कार्य क्षमताओं की संपूर्ण संरचनाएं होती हैं। कि देखिए शारीरिक जो हमारी फिजिकल है, और कहीं ना कहीं जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी हमारी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी करती है। कि आपने देखा होगा कि अगर किसी के पेरेंट्स का मैथ्स बहुत अच्छा है तो बच्चे का भी अच्छा हो सकता होता है नॉर्मली, और अगर किसी की मम्मी को मतलब संगीत में रुचि है तो बच्चे की भी होती है। तो ये वही बात बोली गई है कि जो हमें एंसेस्ट्रल से हमारे, चाहे फिजिकल है या कोई भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी मिले हुए हैं हमें हमारे एंसेस्टर से मिले हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। अब ईएल रुच, ये लास्ट स्टेटमेंट है, द हेरिडिटी एज अ टोटेलिटी ऑफ बायोलॉजिकली। अब देखिए इन्होंने बायोलॉजिकली यहाँ पे बात कर दी, कि जो भी हमें बायोलॉजिकली हमारा अपना कंट्रोल नहीं है, उस पे जो ट्रांसमिट हो गए फैक्टर एक बार हो गए जो इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को। हिंदी में भी एक बार सुन लीजिए इसको, जैविक रूप यानी बायोलॉजिकली जैविक रूप से संचालित कारकों को संपूर्णता से विचार करते हैं जो शरीर की संरचना को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मैं एक बार और हिंदी में बोल देती हूँ, जो बच्चे लिख रहे होंगे वो लिख लेंगे।
आनुवंशिकता को जैविक रूप से संचारित कारकों को संपूर्णता में विकास करते हैं जो शरीर की संरचना को प्रभावित करते हैं, यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारे शरीर की संरचना उसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी हाइट वेट है, आप देखिए कि एक बच्चा अगर कि पेरेंट्स दोनों लंबे हैं तो उसके चांसेस होते हैं कि वो बच्चा लंबाई होगा, बहुत कम चांसेस होंगे जब वो छोटा रह जाएगा। अब ये यहाँ पे बात आ जाएगी हमारे एनवायरनमेंट की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये मैंने इसमें कोटेशंस इसलिए डाली हैं स्पेशली यूपी डेट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वहां पूछी जाती है ऐसे कैसे कोटेशन देके किसने बोला। अब हम अपनी उस पे चलेंगे, अब डिस्कस करेंगे हम हमारे एनवायरनमेंट को। अब एनवायरनमेंट क्या है हमारा? एनवायरनमेंट्स मीन्स द टोटेलिटी, कि भाई जो टोटेलिटी है हमारी, जो हमारे आसपास है सारी चीजें मिला के हमारा एनवायरनमेंट है। इंडिविजुअल मतलब जो भी मेरे आसपास है, चाहे वो घर है, स्कूल है। अब एनवायरनमेंट देखिए बहुत टाइप के होंगे हमारे। सोशल एनवायरनमेंट हो गया, सामाजिक, फिजिकल यानी भौतिक, कि भाई आसपास मेरे पार्क वगैरह हैं या नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी ये चीज प्रभावित करता है। मेंटल एनवायरनमेंट कि अगर मैं बात करूं कि भाई बच्चे को कैसा माहौल दिया जा रहा है डेवलप करने का, उसे अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ये वाली चीजें। तो इसमें बोला गया कि जो भी आपके आसपास हुआ, जो भी वो सब क्या है हमारा एनवायरनमेंट। एक बार इस स्टिमुलाई को मैं बता देती हूँ कि हिंदी में क्या बोलेंगे। स्टिमुलाई को हिंदी में बोलेंगे पर्यावरण का अभिप्राय है प्रेरण। स्टिमुलाई को बोलेंगे प्रेरण। कैसे लिखेंगे एक बार इसको, प्रेरण को, प्रेरण। ठीक है, कि जो भी हमारे आसपास प्रेरण मौजूद है यानी स्टिमुलाई मौजूद है। स्टिमुलाई वही होता है कि भी जिसे देख के हम कुछ सीख लें या फिर वो हमारे पे प्रभाव डालें। अब देखिए, अब एनेस्थेसी की ये डेफिनेशन है, द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। अब देखिए जीन्स को छोड़ के, बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत कम शब्दों में बेहतरीन बात, कि जीन्स हमारा किससे रिलेटेड है? सीधा सीधा आनुवंशिकता से, कि उसको छोड़ के जो भी कुछ है ना इफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, वो क्या है हमारा एनवायरनमेंट। अब एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ एज इट इज, जो ये हमारी डेफिनेशन दी है। पर्यावरण सब कुछ है जो व्यक्ति के जीनों के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करता है, कि भाई व्यक्ति में जीन ना उसके अतिरिक्त प्रभावित करे, वो क्या है सारा पर्यावरण। उसके बाद में देखिए डगलस एंड हॉलैंड, मैंने बोला था एनवायरनमेंट में भी इन्होंने बात की है। द टर्म एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एग्रीगेट का समझते हैं, एग्रीगेट होता है कि जैसे सम कर दिया, हम इसको हमेशा एग्रीगेट बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, कि एग्रीगेट की सम कर दिया, जितने भी मेरे बाहरी फैक्टर थे ना, अब वो चाहे सामाजिक है चाहे भौतिक है, जो भी मेरे बाहरी फैक्टर है ना उन सबको जोड़ दिया मैंने, प्राकृतिक है, जो हमारा व्यवहार है, बुद्धि है, जो भी बाहरी फैक्टर है मेरे, मैंने उसको जोड़ दिया, ठीक है, तो उससे क्या बन गया मेरा एनवायरनमेंट, जिसमें मेरा मैचुरेशन परिपक्व हो रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में सुन लीजिए बिल्कुल इस डेफिनेशन को एग्जैक्ट इन्हीं शब्दों में, हॉलैंड और डगलस ने क्या बोला है, पर्यावरण बाह्य शक्तियों, प्रभावों, स्थितियों, स्थितियों कंडीशंस की बात आ गई, प्रभावों इन्फ्लुएंसेस को बोला है, का समुच्चय है जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार, बुद्धि एवं विकास और जीवित अवयवों की परिपक्वता को प्रभावित करता है, कि जो मैच्योर होते हैं और ऑर्गेनिजम्स इनको प्रभावित करेगा मैच्योरिटी में। जैसे मैंने वहां बात की थी कि पेरेंट्स दोनों लंबे लंबे हैं तो बच्चे के बहुत चांसेस होते हैं कि लंबा है वो, छोटा किस कंडीशन में रह सकता है, कि उसको न्यूट्रिशन ही प्रॉपर ना दिया जाए, प्रोटीन तो फिर भी देना ही पड़ेगा ना। ठीक है पेरेंट्स लंबे हैं, पर कुछ तो एनवायरमेंट भी फर्क डालेगा। एक एक गिलबर्ट की डेफिनेशन भी एज इट इज पूछी गई थी यूपी टेट के पेपर में। एनवायरमेंट इज एनीथिंग इमीजिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग इट्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट, कि भाई जो हमारे चारों ओर रहता है और हम पे डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। ठीक है एक बार हिंदी में एज इट इज, पर्यावरण तात्कालिक पर्यावरण में कुछ भी हो जो एक वस्तु और इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।
ठीक है, हिंदी वाले बच्चों ने सुन लिया होगा और नोट भी कर ली होंगी डेफिनेशन एज इट इज। मैं इसको आपके इसको सार बता देती हूँ कि एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या। एनवायरनमेंट देखिए, हमारे आसपास जो भी चीज मौजूद है जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है हमारे वृद्धि और विकास में, चाहे वो कुछ भी है, उसको क्या बोलेंगे हम एनवायरनमेंट। जैसे पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है अगर मेरे घर के आसपास, तो मैं पढ़ने जाऊंगी वहां पे तो मुझे एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा। प्रयोगशाला है यानी कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट कर लूं, लैब है तो मेरे ऊपर अलग होगा कि जो मैं साइंस में रुचि लेने लगूंगी क्योंकि मैं उस चीज को करके देखूंगी। तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट पे प्रभाव डालती हैं कि एक बच्चा तो गांव में रहता है, एक बच्चा शहर में रहता है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट होगा उसका। एक बच्चा जो समुद्र के किनारे रहता है या जिसके बाहर नदी बहती है घर के बाहर, मतलब उस इलाके में, तो उसे तैरना आता होगा, पर जरूरी नहीं है जो बच्चा एक शहर में रह रहा है उसको तैरना आता हो। ये सब हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें क्या स्किल्स आती है, हम कैसे हैं और कैसे नहीं है। और हेरिडिटी की भी, जो हमारे पेरेंट्स को आता होगा वो बहुत चांसेस होते हैं कि हमें भी आता हो। जो हमारे पेरेंट्स और हमें सिमिलरिटी मिलती है वो एक्चुअली हेरिडिटी की वजह से होती है, एनवायरनमेंट की वजह से नहीं। एनवायरनमेंट जो हम और कुछ अपने अंदर डाल सकते हैं, एनवायरनमेंट पे हमारा पूरा कंट्रोल है कि हम बच्चे को कैसा दें, पर हेरिडिटी पे हमारा थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है कि कैसा हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, पर अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, डाउट क्लियर करेंगे। अब आर्ग्यूमेंट्स कि भाई पक्ष में जो तर्क है हमारे कि हेरिडिटी भाई प्रभाव डालती है, ये बड़ी डिबेट चलती रहती है कि हेरिडिटी ऊपर है या एनवायरनमेंट ऊपर है, ये क्वेश्चन में बड़ा आता है। पर देखिए इसका आंसर सीधा सीधा होगा कि बच्चे के ऊपर दोनों चीजें प्रभाव डालती है ना, तो अकेली आनुवंशिकता कुछ डिसाइड कर सकती और ना हमारा परिवेश या फिर पर्यावरण। अब देखिए काइंड्स ऑफ ट्विंस की तो जुड़वा कैसे कैसे होते हैं। एक तो होते हैं हमारे आइडेंटिकल ट्विंस यानी समरूप, जिसको क्या बोलेंगे समरूप। अब समरूप ट्विंस हमारे कौन से होते हैं जो एक ही ओवम से बने हो। अब ओवम अंडाणु, ठीक है, जो एक ही ओवम एक ही अंडाणु से डेवलप हुए हो। अब इसमें खास बात क्या कि भाई ये दिखेंगे भी एक जैसे और सेम सेक्स के होंगे। अगर जुड़वा लड़के हैं तो लड़के ही पैदा होंगे, लड़की हैं तो लड़की पैदा होंगी। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़का पैदा हो गया एक लड़की पैदा हो गई, और बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं जो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस हैं क्योंकि ये एक ही ओवम से बनते हैं। अब फ्रेटरनल ट्विंस, फ्रेटरनल ट्विंस को बोलेंगे भ्रातृ सुलभ जुड़वा, भ्रातृ सुलभ जुड़वा, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई ये हमारे दो सेपरेट ओवा से बने हैं। देखिए एक ये तो एक ही ओम से बन रहे थे, ये अलग अलग ओवा से बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फर्टिलाइज्ड एग हमारा ओम में जाता है, तो यहाँ पे अगर दो अलग अलग एग हैं तो बिल्कुल इनकी पूरा पूरा चांस है कि भाई ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है भाई भाई बहन भी हो, भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तो कंडीशन थी अगर भाई होगा तो दूसरा भी भाई होगा, दूसरी बहन है तो पहली भी बहन ही होगी, पर यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अभी एक स्टडी की गई थी भाई डेविड वेनफील्ड द्वारा, ये आपसे टेबल ऐसे कैसे पूछ ली जाती है कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो हमारे समरूप जुड़वा हैं उनमें कितना कोरिलेशन है। कोरिलेशन है मतलब भाई समानता, ये एक जैसे कितने हैं, तो ये 0.9% मतलब 0.09 या फिर 90% बोले कुछ भी एक ही बात है। फेटरनल ट्विंस यानी जो हमारे भ्रातृ सुलभ जुड़वा हैं उनमें 0.70 है समानता है। सिबलिंग्स 0.50 होती है। ये टेबल थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी, याद रह जाएगी तो पेपर में एज इट इज, ये फैक्चुअल बेस्ड है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन 0.31%, अनरिलेटेड चिल्ड्रन की भाई जिनका आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है वो क्या होंगे हमारे 0.3%, यानी असंबंध बच्चे। तो यहाँ पे आप देख लो आइडेंटिकल ट्विंस जो हेरिडिटी को ये दिखा रहा है कि भाई क्योंकि वो सेम ओवम से बने हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कोरिलेशन है। फिर फेटरनल ट्विंस क्योंकि वो हमेशा साथ में रहे तो उसमें थोड़ा है। फिर सिबलिंग्स जो भाई बहन होते हैं वो लगभग 50% एक जैसे होते हैं। माता पिता से बच्चे मिलते हैं 0.31% या फिर 31% बोलूं मैं दूसरी भाषा में, या आपको परसेंटेज में भी दे सकता है। परसेंटेज में बोलेंगे तो इसको 90%, ये 70%, ये 50%, ये 31% और ये 30%। कोरिलेशन निकाला है इसमें दोनों का। अब हमारा है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ, अब हमने ये तो पढ़ ली, अब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एनवायरनमेंट कि हमारे पर्यावरण
पर्यावरण के फेवर में क्या हमारा जो परिवेश है उसमें क्या, इसमें भी तो स्टडी की है, उसमें स्टडी की है तो इसमें हमारा फ्रीमैन का नाम भाई सबसे ऊपर आता है। इन्होंने 71 बच्चों को लिया था और इन्होंने क्या किया कि कुछ को तो पुअर एनवायरनमेंट दिया और कुछ को गुड एनवायरनमेंट दिया। तो इन्होंने देखा कि जिसको गुड एनवायरनमेंट दिया था यानी अच्छा पर्यावरण दिया था, उसमें जो बिने और साइमन का स्केल आपको पता होगा 1905 में दिया था, बिने और साइमन स्केल आया था, फिर 1908 में दोबारा रिवाइज होके आया था। ये हमारा पहला इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल था जिसने बुद्धि लब्धि को नापा था। तो इसमें इन्होंने क्या देखा फ्रीमैन ने कि भाई जिनको अच्छा एनवायरमेंट दिया गया, अच्छा परिवेश दिया गया, उसमें 10 पॉइंट का इजाफा था इस स्केल के अकॉर्डिंग, कि जब उनका IQ टेस्ट हुआ, बुद्धि लब्धि चेक हुई जब उनकी। ठीक है, अब देखिए कि स्टडी तो इसमें क्या बोला गया है कि इसने इसको जस्टिफाई कर दिया कि भाई एक एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे सीखने में। अब स्टडी ऑफ जैम सीरीज, ये मैं आपको बता देती हूँ, जैम सीरीज की बड़ी पॉपुलर स्टडी है। इसमें जैम सीरीज ने एक्चुअली किया गया था, इसमें इन्होंने दो जुड़वा बच्चे लिए, एक पहाड़ी और एक गांव में घोषित किया गया, सॉरी पोषित किया गया, कि एक को तो पहाड़ पे रखा और एक को गांव में रखा। ठीक है, जब उनमें अंतर जांचा गया ना, तो फिर जो ये पहाड़ी वाला बच्चा था इसको अच्छा वातावरण दिया जा रहा था और ये जो गांव वाला बच्चा है इसका जो परिवेश था वो इतना अच्छा नहीं था। जब जेम्स रीस ने इसके ऊपर मतलब बुद्धि लब्धि इन दोनों की जांची, तो इसमें पूरा 19 पॉइंटों का डिफरेंस मिला था। फ्रीमैन ने जो कि उसमें तो 10% का ही, इसमें 19 पॉइंटों का पूरा डिफरेंस मिला था। तो ये बड़ी फेमस स्टडी है जेम्स रीस की, तो ये आपको देख के भी पूछ सकते हैं कि भाई स्टडी कि भाई ऐसे ऐसे रखा गया तो उसमें ये किसने दी थी, 19 पॉइंटों का डिफरेंस था। तो ये स्टडी दी थी हमारी जेम्स रीस ने। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया है हमारा हेरिडिटी कैसे, आनुवंशिकता और हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे हमारे वृद्धि और विकास में फर्क डालता है, मतलब कि दोनों में क्या समानताएं हैं, कि दोनों का होना जरूरी है या नहीं। तो कंक्लूजन तो यही निकलता है कि भाई वृद्धि और विकास दोनों का अपनी जगह होना जरूरी है, कि जितनी वृद्धि होगी और जितना विकास होगा वो हमारी आनुवंशिकता और हमारे परिवेश दोनों पर निर्भर करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, टर्मिनोलॉजी से दिक्कत है, लैंग्वेज से दिक्कत है, पर प्लीज ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ सिर्फ स्लाइड में इंग्लिश में प्रेजेंट हो रहा है, मैं बोल आपको हिंदी में ही समझा रही हूँ। जो आपकी स्टेटमेंट्स थी वो भी हिंदी में एज इट इज दी, आप नोट कर सकते हैं, उसे टाइम भी दिया है बीच में, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए।